हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 की हनी कॉम बुक की चैप्टर 3 पढ़ेंगे, गोपाल एंड द हिल्सा फिश। यह एक कॉमिक स्टोरी है जिसमें एक राजा अपने चतुर दरबारी को एक चैलेंज देता है और यह दरबारी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। आइए देखते हैं क्या है यह चैलेंज। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। गोपाल एंड द हिल्सा फिश। हिल्सा फिश, इट इज अ काइंड ऑफ फिश। ये एक तरह की फिश होती है, बहुत ही टेस्टी फिश होती है। इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश। फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। ये हिल्सा फिश का सीजन चल रहा है और जो फिशरमैन है, मछुआरे हैं, वो जो हिल्सा फिश के अलावा और कुछ भी सोच नहीं सकते हैं। फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। जो फिश मॉन्गर है, मछुआरे हैं, मछली पकड़ने वाले हैं, वो केवल हिल्सा फिश ही बेच रहे हैं। कम बाय, द प्राइस ऑफ हिल्सा फिश इज डाउन टुडे। हिल्सा फिश की प्राइस आज कम है, आइए खरीदिए। हाउस होल्डर्स कुड टेक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। और सभी लोग जो है हिल्सा फिश ही खरीद रहे हैं। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा फिश। लोगों की बातें भी हो रही हैं हिल्सा फिश के बारे में कि हिल्सा फिश के लिए आपने कितने पैसे दिए। यू वुडन बिलीव इट इफ आई टोल्ड यू। तुम्हें विश्वास नहीं होगा अगर मैं आपको बताऊं। एंड द पैलेस टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। यहाँ तक कि पैलेस में, राजमहल में जो कोर्टियर्स मतलब होता है दरबारी भी केवल हिल्सा फिश के बारे में ही डिस्कस करते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं। योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन ह्यूज हिल्सा, आई कॉट इट वॉच। योर मैजेस्टी राजा से कहते हैं कि क्या आपने वो हिल्सा फिश देखी है। द ह्यूज, इतनी बड़ी हिल्सा फिश जो मैंने आज पकड़ा था। ह्यूज मतलब होता है वेरी बिग। फिर आगे देखिए, स्टॉप इट, आर यू कोर्टियर और अ फिशरमैन। अब राजा थोड़ा गुस्से में, नाराजगी में बोलते हैं कि आप लोग दरबारी हैं कि फिशरमैन हैं, मछुआरे हैं। द कोर्टियर फेल साइलेंट विद डाउन कास्ट आइज, द किंग फेल गिल्टी। अब जो दरबारी होते हैं शांत हो जाते हैं और सैड हो जाते हैं। डाउन कास्ट मतलब होता है सैड हो जाना। डाउन कास्ट आइज, नीचे देखने लगते हैं दुखी होकर के। द किंग फेल्ड गिल्टी, गिल्टी मतलब होता है अपराधी फील करना। तो किंग अपने आप को एक तरह से दोषी मानने लगता है कि मैंने ऐसा कह दिया। आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। मुझे इस बात का दुख है और मैंने अपना आपा खो दिया और ये तो हिल्सा फिश का ही सीजन है। नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट। अब किंग ये सोचने लगता है कि इवन कि गोपाल जो है एक दरबारी होता है कि जो काफ़ी चतुर होता है किंग के दरबार में, तो गोपाल भी मुझे नहीं लगता है कि लोगों को हिल्सा फिश के बारे में बातें करने से रोक सकता है। और नॉट इवन फॉर 5 मिनट, 5 मिनट के लिए भी रोक नहीं सकेगा। ओह आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी। अब किंग जब ये ऐसा कहते हैं कि क्या गोपाल आप लोगों को हिल्सा फिश के बारे में बात करने से रोक सकते हैं, क्या कुछ ऐसा कर सकते हो कि लोग हिल्सा फिश के बारे में बात करना भूल जाए, तो गोपाल का रिप्लाई होता है, यस मैं कर सकता हूँ। देन लेट मी सी यू बाई अ हिल्सा फिश एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनी वन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। तो किंग कहते हैं ठीक है, एक काम करो, आप जा करके एक हिल्सा फिश खरीद करके इस राजमहल में लेकर के आइए और ये ध्यान में रखना है कि कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बातें ना करे। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। और ये चैलेंज था राजा का और जिसको गोपाल ने स्वीकार कर लिया।
a few days later. Why is your face half shaved? अब इस पिक्चर में देखते हैं कि गोपाल की वाइफ होती है, पूछती है कि आपने ये अपना शेविंग जो की है ये आधा क्यों मनाया है. आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई अ फिश. मैं एक फिश खरीदने के लिए अपने आप को ड्रेसअप कर रहा हूँ, ये कपड़े पहन रहा हूँ, गेटअप बना रहा हूँ. What's the matter with you? Why are you smearing yourself with S? S मतलब होता है रा. Smearing मतलब होता है लगाना, पोतना किसी चीज को अपने ऊपर. ओके, तो वाइफ फिर से एक बार क्यूरियस हो जाती है और पूछती है कि ये आप अपने चेहरे पे ये राख क्यों पोत रहे हैं, क्यों अपने चेहरे को गंदा कर रहे हैं. आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई हिल्सा फेस. वंस अगेन गोपाल का सेम रिप्लाई होता है कि मैंने तुमको बता दिया है कि मैंने जो है ये सारे गेटअप जो मैं कर रहा हूँ, ड्रेसअप कर रहा हूँ, वो हिल्सा फिश खरीदने के लिए कर रहा हूँ. लिसन टू मी प्लीज, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैक्स. व्हाट आर यू अप टू? तो उसकी वाइफ कहती है कि आप सुनिए, ध्यान से सुनिए मैं जो कह रही हूँ, कि आपको इस कपड़े में, ऐसे कपड़े में बाहर नहीं जाना है. डिसग्रेसफुल मतलब होता है कि जो दिखने में अच्छा ना लगे, शर्मनाक हो. और रैक्स मतलब होता है टैटर्ड, फटे पुराने. तो आप इस तरह से शर्मनाक और फटे पुराने कपड़े में आप बाहर नहीं जा सकते हैं. हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन आई एम आउट टू बाई अ ह्यूज हिल्सा फिश. और मैंने आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि मैं बाहर जा रहा हूँ एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदने. इट्स हैपेंड टू हिम, ही इज गॉन मैड. अब उसकी वाइफ सोचती है कि लग रहा है कि ये पागल हो गए हैं. गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस. अब गोपाल हिल्सा फिश से खरीद लेता है और वो पैलेस के तरफ जाना शुरू कर देता है. मदर लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल. तभी एक लड़के की नज़र पड़ती है गोपाल पे और मम्मी से पूछता है, मम्मी मम्मी वो देखो, उस आदमी को देखो, वो देखो ये कितना आदमी जो है हास्यपूर्ण दिख रहा है, बड़ा फनी दिख रहा है, ये आदमी मजाकिया दिख रहा है. ही मस्ट बी अ मैड मैन. तभी इसमें से कोई कहता है, ये जरूर ही कोई पागल आदमी है. हुश, आई थिंक ही इज अ मिस्टिक. तभी एक आदमी कहता है, चुप चुप हो जाओ, मुझे तो ये लगता है ये कोई मिस्टिक मैन है, ये कोई रहस्यमय आदमी है. When गोपाल रीज द कोर्ट, what do you want? I want to see the king. वहाँ पे संतरी खड़े होते हैं राजा के और पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए भाई. तो गोपाल रिप्लाई करता है, मुझे राजा से मिलना है, मुझे मिलने दीजिए राजा से. You can't see the king. Get away with you. फिर वहाँ पे संतरी जो खड़े होते हैं कहते हैं, एक काम करो, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम राजा से नहीं मिल सकते. गोपाल began to dance and sing loudly. अब गोपाल वहाँ पर खूब कस के गाना गाता, जोरों से गाने लगता है. Loudly, sing loudly और dance, और वहाँ पे नाचने लगता है. Inside the palace, the man is crazy. Thrown him out at once. I want to see the king. Let me in. अब inside the palace, the man is crazy. अब लोग यही समझते हैं कि ये आदमी बिल्कुल क्रेजी है, बिल्कुल पागल है. इसको तुरंत ही यहाँ से बाहर उठा करके फेंक देना चाहिए, यहाँ से हटा देना चाहिए. लेकिन गोपाल है जो अपने जिद पे अड़ा रहता है, नहीं, मुझे किंग से मिलना है, राजा से मिलना है, और मुझे अंदर जाने दो, लेट मी इन. तब राजा ये सब चीज़ें सुनाई देती है राजा को. अब राजा बोलता है, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस. उस आदमी को तुरंत मेरे पास लेकर के आओ. यस योर मैजेस्टी. गोपाल
ब्रॉट बिफोर द किंग। अब गोपाल को राजा के सामने पेश किया जाता है, लाया जाता है। इट्स गोपाल। वहां पे और भी कोर्टियर्स होते दरबारी और उसकी वेशभूषा देखकर बोलने लगते हैं, अरे ये तो गोपाल है। द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड। अब दरबारी जो आपस में होते हैं बातें करना शुरू कर देते हैं, इस आदमी का तो दिमाग ही खराब हो गया, ये आदमी पागल हो गया है। आई थिंक इट इज वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। और मुझे तो लगता है कि गोपाल का ये जो है एक तरह का एक मजाक ही है। ऑल राइट गोपाल, आउट विथ इट। व्हाई आर यू ड्रेस अप इन दिस रिडिकुलस फैशन। अब किंग पूछते हैं कि बताओ भाई गोपाल कि तुम इस तरह से ड्रेसअप क्यों किए हो। ये इस तरह से जो है रिडिकुलस मतलब होता मजाकिया या भद्दा, यहाँ पर भद्दा मीनिंग होगी। दिस रिडिकुलस फैशन, तुम इस तरह से हास्यपद ड्रेस क्यों पहन रखा है आपने। योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। महाराज लगता है आप कुछ भूल रहे हैं, कुछ भूल गए हैं। फॉरगॉटन समथिंग, राजा सोचता है मैं क्या भूल रहा हूँ। स्ट्रेंजली एनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टूडे। और ये बड़े स्ट्रेंज की बात होती है, बड़ी अजीब सी बात होती है कि आज कोई भी दरबारी कोई भी व्यक्ति हिल्सा फिश में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है और कोई बातें नहीं कर रहा है। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट नॉट अ सोल हैज स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश। पूरा मार्केट से लेके बाजार से लेकर के पूरा पैलेस तक महल तक किसी भी आदमी ने किसी कोई भी व्यक्ति हिल्सा फिश के बारे में एक बात नहीं की। ओनली देन द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। तभी राजा को अपना चैलेंज याद आता है, चुनौती याद आती है जो उसने गोपाल को दिया था। हा वेल गोपाल कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। अब राजा ठहाका लगा करके हंसता है और कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन गोपाल, तुमने एक बार फिर से जो है एक जो असंभव वाली बात थी उसको तुमने कर दिखाया है। और ये था आपका चैप्टर गोपाल एंड द हिल्सा फिश। आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों ने इंजॉय किया होगा।